अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज मैं आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ब्लॉग जो है वो लेके आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इसमें अपने बारे में बताऊंगी। मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से है। तो मैं अपने भाई गांव गई हुई थी, गाँव से बाहर आई तो सोचा ये सब सब्ज़ जो है वो खेत नज़र आ रहे हैं, तो क्यों ना इनमें जो है वो अपना ब्लॉग जो है वो पहला बनाया जाए। शाम सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है और शाम का सुहाना मंजर है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और परिंदे जो है अपने घरों को तरफ लौट रहे हैं। ये कद्दू शरीफ की बेलें हैं, ये मर्द हजरात जो है वो कद्दू तोड़ रहे हैं। तो वो सामने जो है वो हमारा गांव नज़र आ रहा है। आप लोगों को मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। चलते चलते जी मुझे एक जंगली फूलों की जो है वो पौधे नज़र आ गए, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लेते हैं। तो आगे ब्लॉग में देखिए आप लोगों को आगे क्या क्या जो है वो नज़र आता है। ये साथ में मकई के पौधे जो हैं उसको भी मैंने कवर किया। ये देखें कि ग्रीनरी जो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो पौधों को जो है वो ताज़ा पानी लगा हुआ था। ये एक मेंढक नज़र आ गया, उसको भी कवर कर लिया। चलते हैं, शायद कोई और चीज़ जो है वो हमें नज़र आ जाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लगा। ऑब्वियसली मेरा चैनल जो है वो सिलाई के बारे में है। तो ये देखें, ये एक पानी के अंदर जो है वो एक टटर नज़र आ गया, उसको भी मैंने कवर किया। ये देखिए कितने मज़े से जो है वो पानी के अंदर नहा रहा है। तो चैनल सिलाई के बारे में है, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग काइंडली सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये काफ़ी बड़ा टटर है। तो हमारी जो है वो वापसी हो रही है घर की तरफ। तो ये भिंडी जो है वो मुझे नज़र आ गई, मैंने सोचा चले इसको भी देखते हैं। भिंडियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं ताज़ा फ्रेश, बिल्कुल वेजिटेबल। फ्रेश वेजिटेबल की जो है वो बात ही कुछ और होती है। ये देखते हैं कद्दू शरीफ भी हमें कोई मिलता है। ये देखें, ये कद्दू भी जो है वो नज़र आ गया, उसको भी मैंने दिखाया आप लोगों को बेल के साथ लगा हुआ। तो ये थोड़े थोड़े फासले पे जो है वो तोड़ के रखे हुए हैं, तो इनको छापरों के अंदर डालेंगे और बड़े जो है वो अलग कर लेंगे और छोटे जो है वो अलग कर लेंगे। तो छापर के अंदर डाल के लोड करके जो है इनको मंडी की तरफ जो है वो ले जाया जाएगा। आप लोग कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरा गांव जो है वो कैसा लगा। ये रक्षे के प्लोड करके जो है वो कद्दू शरीफ जो है वो सुबह मंडी जो है वो ले जाए जाएंगे। एक और ट्रैक्टर जो है वो हमें नज़र आ गया। ये खेत के बाहर जो है वो पानी के अंदर था, पानी वो बड़ा था जो पानी के अंदर था, ये ज़रा छोटा है तो खेत में जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें, इसी के साथ मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जिसको मेरा साइलेंट मैसेज समझ आए तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।